इंदौर के आबकारी विभाग द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम गठित कर मानपुर में ढाबे के पीछे कमरों में बन रही हजारों लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट जब्त की गई है। मौके पर विभाग के अधिकारियों ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है। इंदौर के मानपुर हाईवे पर स्थित हयात गोल्डन मेवाड़ ढाबे के पीछे आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर से विभाग के अधिकारियों को हजारों लीटर ड्रम से भरा हुआ रेक्टिफाइड स्पिरिट जब्त किया गया। वहीं पुलिस को आता हुआ देख मौके से कई लोग फरार हो गए, जबकि घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा गया है, जिसका नाम बलराम वास्तले है। पुलिस ने मौके से 1800 लीटर स्प्राइट जब्त की है। यह एक नशीला स्प्राइट है, जिससे कि शराब सहित अन्य नशीले पदार्थ तैयार किए जाते हैं। फिलहाल इस तरीके से अवैध रूप से बनाई जाने वाली शराब के चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग द्वारा मानपुर से कार्रवाई करने के बाद इंदौर के कार्यालय में जब्त किया गया है और कार्रवाई की गई है, जबकि पकड़ाए युवक से आबकारी विभाग के अधिकारी पूछताछ में जुटे हैं, ताकि अन्य फरार बदमाशों को पकड़ा जा सके। आज दिनांक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, और सूचना थोड़ी सी गंभीर थी, बड़ी थी, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को संबंध में सूचित किया गया। तो सूचना की गंभीरता को देखते हुए संभागीय उपायुक्त महोदय द्वारा अपना बल उपलब्ध कराया गया, एवं जिले के बल को लेकर जहां सूचना प्राप्त हुई थी मानपुर क्षेत्र में होटल अयाज निवास गोल्डन के पास ऐसी सूचना थी, वहां कुछ शराब आपको रखी हुई मिलेगी जी। जब वहां जाकर पूरे स्टाफ ने चेक किया तो पीछे जो कमरे बने उसमें एक कमरे में 9 प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए मिले जी, जो कि ऊपर से ढक्कन से सील थे। उनको खोल के देखा, सभी में ओपी शराब भरी हुई थी, स्पीड थी उसमें कितना, लगभग 1800 लीटर, उसमें 200 लीटर के ड्रम। सर कहाँ पे बनाई जा रही थी और किस तरह के सप्लाई की जाती है? रखी हुई पाई गई अभी तो जी। अभी जो विवेचना में है वो कहाँ से आई थी, क्या हुआ था, कितने आरोपी पकड़े गए सर? उसमें एक आरोपी पकड़ा गया, कुछ लोग वहाँ इकट्ठे थे जो भाग गए हैं। आरोपी जो पकड़ा है उसने बताया कि इसमें और भी लोग हैं, लेकिन वो भी अभी नाम नहीं बता पा रहा है, तो वो विवेचना में दिए गए।